सबसे पहले आप सभी को मेरी और से प्यारा गुड मॉर्निंग मंजू देवी उठला का स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल में एक शानदार ब्लॉग में। दोस्तों दिन की शुरुआत तो मेरी सुबह 5 बजे से हो गई है, लेकिन क्योंकि मेरे लड़के को जाना था स्कूल हो गई मुंबई में चालू 15 तारीख से, तब उसके लिए मैं 5 बजे उठी और रोटी बनाई, बच्चे के लिए टिफिन बनाया, उसके बाद झाड़ू पोछा जो होता है हुआ, पानी वानी भरा, नहाए, कपड़े उपड़े धोए, अब मैंने नाश्ता बना दिया। हम नाश्ता करते हैं और ब्लॉग की शुरुआत करूँ मैं अपने प्यारे से किचन से। टाइम हो रहा है सुबह का 10 बज रहा है, क्योंकि लेट हो गया क्योंकि मैं गई थी गांव तो कपड़े थे मेरे जो रास्ते के कपड़े दो 3 दिन तो हमको रास्ते में ही लगते हैं, तो कपड़े कुछ कल के थे कुछ आज के थे, मतलब कुछ कल धोए कुछ आज धोए, ज़्यादा थे कपड़े। इधर पर डबल बेड की चादर है, मुझे तोले भी थे बच्चों के, बहुत ज़्यादा कपड़ा था कल भी आज है। फाइनली मेरे कपड़े धो के हो गए, कुछ खाने डाल दिया। आप करते हैं हम नाश्ता। मौसम का हाल बोले तो अभी तो धूप नहीं है, बादल लगे हैं क्योंकि मुंबई में बारिश शुरू होने वाली है। अभी तो हुई नहीं लेकिन होनी चाहिए थी, 15 तारीख से शुरू हो जाती है, लेकिन आज 22 तारीख हो गया है तो बारिश का नामो निशान नहीं है मुंबई में। गर्मी से हालत बहुत बेहाल है, मतलब बहुत ही ख़राब है। बादल लगे काले घने बादल लगे और गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो क्या बोलें और क्या बोल रहे हैं कि अब हमारे वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें। मेरे का 10 बजने वाला है, हमारा नाश्ता बन रहा है क्योंकि कपड़ा था बहुत ज़्यादा, वो कपड़ा धोए क्योंकि 2-3 दिन से हम सफर में थे, कल भी बहुत ज़्यादा कपड़ा था और आज भी लगभग ऑलमोस्ट मैंने कपड़े धो दिए हैं, ना ही कपड़े उपड़े धोए, पानी नहीं भरा, झाड़ू पोछा मारा, बच्चे को स्कूल ले जा, उसके लिए टिफिन बनाया, अब जाके मुझे अपने टाइम लगा। नाश्ता बना रही हूँ, अब नाश्ता कर दें उसके बाद जाते हैं पर जाऊँ स्कूल, तो जाना है लेकिन आज हम बनाएंगे चिकन। खुशी जा रही है आप चिकन लेने के लिए? हाँ, आज मैंने खुशी को बोला तू आज खरीदारी करके ला, तो खुशी बाजार से चिकन लेके आएगी, मतलब घर में मसाला वसाला बनाती हूँ आप कुछ, उसके बाद कुछ अभी नहीं दूध वूध लेके आएगी बाहर से, अभी नहीं और सब्जी नहीं। आज कुछ ने दलिया भी बनाया और आटा गूंद के भी दिया, इस बार तो मेरे को खुशी हो रही, लेकिन ये खुशी कब तक रहती मालूम नहीं, जब डेली करती है ना। आज किया तो मेरे को अच्छा लग रहा है, खुशी नहीं होती ना, मेरे को खुशी होती है, क्यों नहीं होती, ये तो नॉर्मल चीज हो गई है अभी, इससे नहीं होता मेरा तो। आप लोग हेल्प मिल समझे तो थोड़ा हेल्प मिल आ चुकी मेरी लोग, ये तो हेल्प में ले डेट तो खराब लोग नहीं लगेगा ना, तेरा खुशी होती है थोड़ा थोड़ा इस बात की खुशी है कि मेरे को हेल्प मिल गई है, अब थोड़ा इस बात की खुशी है कि मेरी खुशी ने हेल्प की तो खुशी मिल गई नहीं, कि मेरी गुड़िया को थोड़ा दलिया बनाना भी आ गया आज उसी ने बनाया, मैं तो कपड़े धो रही थी, मैंने खाली ये बोला ऐसे ऐसे करना, तो बहुत अच्छा दलिया बनाया था उसने, आटा गूंद भी गया, मैं आई मैं सीधा रोटी बनाने लगी। रोटी इसलिए बना रही नाश्ते में, रोटी अच्छी रहती ब्रेड ब्रेड से अच्छा रहता है रोटी। फिर मेरी गुड़िया को जाना है स्कूल, उसके लिए स्कूल के लिए भी बनाती देती हूँ मैं रोटी, क्योंकि उसको जाना है 12 बजे, तो 10 तो बज गया, 2 घंटे बाद जाना है, बार बार कौन बैठेगा मेरा चूल्हे में, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए मुझे अभी रोटी बनानी है और चिकन का मसाला भी मैं साथ साथ में चिकन का मसाला भी बना देती हूँ, उसके बाद जाएंगे हम बाजार, तो वहाँ से जाकर लेके आएंगे हम चिकन। खुशी को भेजने जाना है, मैंने इसको करके मैं भात बना के रख देगी, चिकन का मसाला रेडी करेगी तो चिकन लाएगी, फटाफट चिकन बना लेंगे, देखते हैं आज क्या क्या होता है। दोस्तों मेरी आवाज़ का मारी पंखे की आवाज़ ज़्यादा आ रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्या करें, अगर पंखा बंद करेगी तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी गर्मी से, इसलिए पंखा भी मैंने ऑन किया है। अब बात खुशी की टीवी की आवाज़, एक खुशी टीवी की आवाज़ कम कर बाबू, अभी माइक दूसरा वाला लाई थी मैं, अभी माइक लगाया नहीं, माइक लाएगी तो कौन मेरी आवाज़ आएगी, क्योंकि वीडियो में मेरी आवाज़ कम आती है तो एक साइड आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो क्या करें। आज देखती हूँ माइक निकाली, माइक जो लेके आए हैं माइक लगाएगी तो थोड़ी मेरी आवाज़ आ जाएगी वीडियो में। जगदीश के लिए दलिया दे दिया क्योंकि तो जगदीश दलिया खाता है सुबह और कॉफ़ी, क्योंकि वो हाई डाइट इंजर तो जिम वाला है तो उसको उस हिसाब का खाना चाहिए।
हमने प्रवेश किया है स्कूल, प्रवेश के लिए बनाई है मैंने गवारी और बंद गोभी आलू कांदा की भाजी बनाई है, तो वही भाजी हमारे लिए भी बची है, हम भी वही खाएंगे। उसी को पूछा था मैंने कि चाय भी है, चाय को मना करिए, दूध भी नहीं पिए कि सुबह नहीं पीते दूध, तो रोटी भाजी खाएगी, दूध पिएगी, कॉफ़ी पिएगी, तो दूध भी गर्म किया है मैंने, कॉफ़ी बनाएगी। मैं भी देखती अभी तक मेरे को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन क्या करूँ, काम पड़ा था तो मैंने खाया नहीं, मैं जा नहीं गया। तो ब्रेड व्रेड लाई नहीं, कल ही परसों ही आई थी ना, तो कल भी नहीं लाई, कल भी बहुत काम था मेरा, बाहर का भी घर का भी बहुत ज़्यादा काम था, हो चुका स्कूल का, किताबें, ड्रेसेस, शूज, बैग, दिन भर अगर बाहर करती हूँ, घर का काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए लेने गई फिर चक्की पर आटा दिया, गेहूँ दिया पिसाने के लिए, तो उसी में मेरा कल का टाइम लग गया, मतलब कल का पूरा दिन उसी में लग गया। फिर मैंने कबाड़ के कपड़े धोए, ढंग से रखे, उनको संभाला, तो कल भी 3 से 4 बार के कपड़े हुए थे, आ जाके सूखे, क्योंकि सुबह डाले थे मैं, मैंने शाम तक सूखे नहीं, तो मैंने सब कपड़ों को क्या किया, अंदर हैंगर में डाल दिया, सब कपड़े अभी सूख गए, उनको नीचे उतार दिया, और जो आज धोए वो 3 से 4 बार के कपड़े, 2 से 3 तो डबल बेड की चादरें हैं, उनको भी धो के मैंने बाहर रख दिया, उससे बीस वाली खिड़की में रखा हुआ तो पानी नहीं टल जाएगा, उनको भी अंदर हैंगर में रख ली, क्योंकि अंदर दिन भर तो पंखा लगा है, तो पंखे की हवा से वो सूख जाएंगे जल्दी से, तो संभालने की क्या, बारिश का टाइम हुआ कभी भी बारिश आ सकती है, तो जब तक बारिश नहीं आई तो मेरे को मोटे मोटे कपड़े धो के सुखा के उनको बंद करना है, बारिश आ जाएगी तो 4 दिन लगेगी कपड़े सूखने में, इतने में बारिश में अलग ही स्मेल आती है। तो चलो मेरी रोटी भी बन गई है, और मैं अब दिखाती हूँ मैंने रोटी और भाजी कौन सी बनाई है। ये बन गया हमारा नाश्ता, नाश्ते में बनाए मैं बीन्स और बंद गोभी की भाजी और रोटी, कुछ ही ने अपने लिए शेजवान चटनी भी निकाल दी, तो चलो हम नाश्ता करते हैं। तो आगे मैं अपने प्यारे से किचन में बनाते हैं दोपहर का लंच, लंच में बना रहे हम चिकन, तो चला गए मैं जब इस चिकन लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे मसाला बनाती हूँ, खुशी अभी रेडी हो गई हो रही है स्कूल के लिए, तो बस मेरा मसाला पक गया है चिकन का, देखो कितना अच्छा मसाला बनाया मैंने, तो इसमें मैंने ये चिकन डाल दिया, अब मैं चिकन को मिक्स कर रही हूँ इधर, तो 5 मिनट तक मैं इसको ऐसे मिक्स करेगी, थोड़ा पक जाएगा इसमें, और उसके बाद में इसमें रस्से के लिए मैंने इधर ये पानी गरम किया है, और इधर मैंने भात बना दिया, तो ये है भात, ये प्रेशर में भात बन गया, ये पानी रखा और ये चिकन बन रहा है मेरा, मैंने मसाला पहले बना दिया था, अब मैंने जब जगदीश को बोला मैंने फटक से तू चिकन लेके आ, तो ये देखो तो कैसे लग रहा है चिकन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कैसे बनाया मैंने, दिखने में तो बहुत अच्छा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तब खाने में भी ये अच्छा ही होगा। अब इसको 5 मिनट तक इसको ऐसे ही मिक्स करेगी मैं मसाले में अच्छे से धीरे धीरे स्लो आंच में, उसके बाद इसमें रस्सा बनाएगी। तो खाना वाना खा के हो गया मेरा, अब प्रवेश को भेजने गया था जगदीश, क्योंकि प्रवेश गया था क्लासेस, उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन धोए, कपड़े संभालने, इसका बिस्तर का चादर चेंज किया, प्रवेश आ गया है क्लासेस से, और इसको मैंने बोला था आइसक्रीम नहीं खाना, तो देखो ये डंडी पकड़ी है आइसक्रीम खा रहा है, और तब छींकने पर लगा है। तो मैं जा रही हूँ खुशी को लेने के लिए इसको, क्योंकि खुशी थी इसको 5 बजे छूटने वाली, 5:30 बजे छूटने वाली थी, लेकिन घड़ी ख़राब थी मेरे को मालूम नहीं पड़ा, पर उसने अभी बोला मम्मी घड़ी बंद है, तो मैंने बोला चलो हम मोबाइल में देखा तो 5:30 होने को 2 मिनट बाकी, 5:30 बजे खुशी की छुट्टी होती है, तो मैं आ गई मालक जी हॉल पे ही, और जा रही हूँ पैदल, क्योंकि स्कूटी लेके जगदीश चला गया, तो देखिए तो 5 मिनट का रास्ता और, तो देखती हूँ कि घर कितना जल्दी मैं पहुँच गई, क्योंकि बच्चे पहले बच्चे छुट्टी हो गई, तो वो बच्चे मेरे को यहाँ पे मिल गई, अभी खुशी गुस्सा कर रहा है मालूम नहीं आ पहला दिन है, क्योंकि गांव गए थे तो उनका वो भी चेंज हो गया कि पहले 3rd फ्लोर पर थी और 1st फ्लोर पर आ गए, क्या मालूम कौन से गेट पर छूटते वो भी नहीं मालूम, अब देखती जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा, ये जाने दो डेली गाड़ी कहाँ से लेना है, पैदल जितना पैदल चलेंगे उतना एक्सरसाइज हो जाती है, तो वॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो
क्योंकि मेरे भाग दौड़ इसी में, एक को छोड़ने जाओ एक को लेने जाओ। तो स्कूल के नज़दीक मैं आ गई हूँ। स्कूल के नज़दीक का व्यू देखो इधर, सांस भी फूल रही है। तो मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद जैसे तुरंत चलो ना सांस फूलने लगती है। इधर से ये पीछे देखो, पीछे का व्यू ये है। ये ग्राउंड है इधर, तो ये पेड़ लगे हैं साइड में, ये दीवारें हैं। पब्लिक देखने बाप रही है, मैं मेरे को मालूम नहीं है अभी कौन से गेट पे मैंने जाना है। कि मेरी गुड़िया का स्कूल आ गया है, कि बच्चे छूट रहे, एक एक करके आ रहे बच्चे बाहर। अभी तो इधर गाड़ी लगाने की जगह भी नहीं मिलती, इसलिए मैं गाड़ी पर आती भी नहीं, लाती भी नहीं। मैं तो पीछे करती हूँ गाड़ी पार्क। देखो कितनी पब्लिक है इधर, मुझे कहाँ पर खड़ा होना होगा। ये है स्कूल, इतने लोग पेरेंट्स भी इधर खड़े। मेरे को नहीं मालूम मेरे को किधर जाना है। यहाँ पर मैं बड़ी उतरे देखती हूँ, कोई मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे वाले गेट पर जाती हूँ। इधर तो मुश्किल होने क्योंकि अभी सेवंथ है, सिक्स वाले तो इधर से छूटे थे, लेकिन सेवंथ वाले मालूम है। तो मैं जाती हूँ आगे वाले गेट पर। आ गई मेरी गुड़िया, खड़े रहे आप पहले। अच्छा ही था, नहीं भी रहा होगा लेकिन थोड़ी। अच्छा था, ग्राउंड फ्लोर पे थे, मैं तो भूल गई थी किधर जाना है। चलो आ गए हम, जाते हैं हम घर पे। खुशी खुशी बोल रही है, तूने साइकिल चला था ना यूट्यूब का, और तो उसने वो देखा होगा ना, तो बोल रही थी ये है खुशी। तुम्हें जैसे मिली ना वैसे बोल रही खुशी। कल मैं आज अच्छा लगी स्कूल में, ग्राउंड फ्लोर पर था ना, फर्स्ट फ्लोर पर सुनना। खुशी और ये है खुशी, मोमोज खा रही हो भी रिसेस में, तो उसने भी आधा ही दो तीन चम्मच ही खाई, और मैंने भी एक रोटी खाई फटाफट। चलो कोई बात नहीं, अच्छा रहना। टीचर का नाम लिया, अच्छी मिली टीचर? हमारी आई नहीं एक भी ना, एक सब आई, सबकी टीचर आई है, हमारी नहीं आई, बस मोगरा की ना। क्लास टीचर नहीं आई होगी ना, सब्जेक्ट की तो आई होगी ना। लोटस की आई है, शुभांगी मैम। अच्छा अच्छा, बस यहाँ पे आ गए हम, मंचूरियन की रेडी लगी है यहाँ पे। यहाँ पे हम मंचूरियन का, इधर थोड़ा छाँव हो गया, अभी शाम का टाइम है। दोपहर को तो बहुत धूप हो रही थी, गर्दी देखो अभी स्कूल का, मतलब छूटने मंचूरियन आ गया। ये खुशी है, चल खा ले मंचूरियन भी ले लिया। खुशी कहाँ बैठी मंचूरियन? अब जना चना हम घर तरफ, क्योंकि मैंने अभी भुजी भी लूँ, पनीर भी लूँ घर मुझे। हाँ मेथी भुजी ले लो, पनीर भी लूँ किले, रात में मेथी भुज बड़ो लाए। आज हम उन बड़ा आए दोपहर में चिकन, तो अभी रात में थोड़ा हल्क हल्क बड़ोला कुछ, अगर रात में बड़ोला हम मेथी भाजी, तो मेथी घर में देते सात दिखा, सुबह बनाएंगे हम पनीर की भाजी। इसलिए मेरे को पनीर भी लेके जाना है, तो चलो जाते हैं मार्केट में। आ गई वो पनीर की दुकान में, यहाँ से मैं पनीर लेके जाइए, दूध भी लेके जाना है, दूध मतलब भैंस का दूध भी लेके जाना है आधा किलो। इधर से जाएंगे हम पार भुजी दुकान में। आ गए हम इधर भाजी मार्केट के, इधर भैया मिल जाना हम भीतर। या मुझे आपको गजरा बड़ो बनाई, ये अपनी दाल है अंकुर वाली दाल बेचण पर लगे। भैया मिल जाना हम भीतर आ गए, ये हमारे भाजी मार्केट। या मिल जाना हम भाजी देख, कौन सी भाजी कौन मिल दी बोले हमको, ये है मेथी, ये भाजी लगी इधर बिलपुर। तो देखो मेरे 40 रुपये दे लो, तो मेरे पास थोड़ी पैसे इधर है। मैं सुबह बैठे दूध भी नहीं ले आई थी, आप इतने बट जाना हम दूध भी ले जानो। अरे दूध मतलब दही के लिए दूध, तो मैं डेयरी पर भी टिल आए, लेकिन जो रात में हम बच्चे पिन दस दूध के, तो दूध ले तभी हम तो मैंने पाव भी ले जाओ उनके लिए, कि और दुकानों में मिल दो भी नहीं। तो यहाँ पे चले, अब हवा देगी थी, हवा होने के पंखे थी जो रख ली, गर्मी नहीं कुछ नहीं, ठंडी लगी, ठंडी हुई मतलब छाँव हुए गए, हल्क पड़ी धूप हवा चलने लगी, वहाँ मौसम बहुत अच्छी थी। यहाँ पे यहाँ पे रोबी हुई हम जाना पर रोड़ी रोड़ी यहाँ पे इतरे बट हम सीधा अपनी बिल्डिंग में पहुँचे। हाँ रोड साइड बिल्डिंग थी, रोड़ी रोड़ी का मतलब है कि रोड साइड से जा रहे। वैसे हमारे घर घर पर रोड़ी है, वो तो मेन रोड है, लेकिन अभी पीछे साइड से जा रहे थे। देखो इधर कितना अच्छा है, इधर का व्यू देखो आप। आप ये नहीं बोलना, मैं आधा अपनी भाषा में बोलूँ, यानी कि अपनी भाषा में बोल रही हूँ, आधी में हिंदी में बोल रही हूँ। जिसको हिंदी समझ आएगी तो ठीक है, मतलब जिसको गढ़वाली समझ आएगी तो ठीक है,
इसको नहीं आएगी तो हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ, क्योंकि हिंदी में अगर बात करते सब समझे जाए ना, लेकिन अपनी भाषा में भी बहुत जरूरी है। चलो मैं तो रोड क्रॉस करी, शायद कुछ इंजी के लिए रोड क्रॉस, अब जाना हम दूध है दुकान पर। तो ये एक दूध है दुकान ही देखो, अमूल डेयरी दिखो ना कि मेडिकल ये बाजू में चाहिए दुकान दूध है। यम मिलन में पाव अच्छे अच्छे हम होते पाव बचे, यम में कुछ पाव गाड़ दे चार पाँच पाँच छः पाव निकल। ये पाव की दुकान है, दूध की दुकान, इधर से मैं हमेशा दूध लेती हूँ। मेरे को ढाई लीटर दूध दे दो, है दे दो। तो दूध ब्रेड में ली ली, ये हम उधर हिसाब का दही कथा हुआ, भाई हिसाब कितना हुआ भैया? बस भाजी ले लिया, दूध ले लिया, पनीर ले लिया, और क्या ली ना हम, ब्रेड व्रेड ले दिया। अब जा रहे हैं हम घर की ओर। ये देखो कितनी अच्छी छाँव है, देखा सही घर के अंदर इतनी गर्मी हो रही, बारिश तो नहीं आई है, हरियाली इधर भी बहुत अच्छी है। ज़्यादा वैसे बसंत ऋतु तो लग गया, बारिश नहीं आई वो अलग बात है, बसंत ऋतु तो लग गया। बसंत पंचमी तो माघ के महीने में आती है ना, बसंत पंचमी तो लग गई है, यानी कि बसंत तो लग गया है, बारिश भी आएगी। जब बारिश आएगी तो बंद होने का नाम उन्हें सामने लेती है। अभी देखो इधर रोड खोदा था पूरा, अभी डांबर नहीं किया, खाली हल्का हल्का ये मिट्टी को दबाने के लिए डाला है, पता नहीं ये काला 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 जिससे मिट्टी ना उड़े। तो चलो इधर कभी इधर कैसा लग रहा है आपको, देखो पीछे पूरी हरियाली, अच्छा है ना, शांत है इधर। लोग वॉक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर वॉक करने के लिए आते हैं। अभी लोग कर रहे हैं वॉक, लेकिन जैसे अंधेरा होता है वैसे ज़्यादा आते, क्योंकि अभी स्कूल का टाइम हो गया है। क्योंकि 5:30 बजे बच्चों की छुट्टी होती है, 6, 6:30, 7 बजे तक भी जो दूर की स्कूल से मतलब दूर दूर में स्कूल डाले हैं वो 7 बजे तक भी आते बच्चे, पेरेंट्स को उसके बाद मिलता है घूमने का टाइम, तब आते हैं लोग बाहर वॉक करने के लिए। इसलिए हम भी मैं भी अभी गुड़िया को लेके आ रही हूँ स्कूल से, तो मैंने बोला यहाँ से सामान लेके इधर पीछे से पीछे की साइड जिधर लोग घूमने जाते हैं उधर से हम भी एक राउंड मार के घर पे चले जाएंगे। थोड़े बाहर की हवा बोलते हैं ना, थोड़ा बाहर की हवा, शुद्ध हवा, पंखे की हवा कितना भी खाओ कम ही है लेकिन अच्छा नहीं, पंखा भी इतनी गर्म गर्म हवा छोड़े। हाँ बिस्किट देना, तो यहाँ पे दो डॉगी पड़े मतलब बैठे हैं, चार हैं, तो मैं बिस्किट लेके आए, दो उधर थे उनको भी दे दिया, उनके लिए बिस्किट लेके आए, तो उनको मैं बिस्किट दे दिया। अभी वो उनके मूड में नहीं है शायद, नहीं खाएंगे। आ गए हम, तो ये हमारी बिल्डिंग के नीचे देखो, ये मेडिकल है, दुकान है, शॉप्स है, ये बैठने के लिए देखो बाहर कितना अच्छा है। ये देखिए मेन रोड है इधर से, ये फार्म फूड मैक्स, सब सामान घर की जरूरत हो सामान मिल जाना। ये